सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी के क्लास में मैं मैक्सिना टीचर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। तो इस पाठ में जो दो पत्र दिए हैं वो दोनों पत्र इनफॉर्मल लेटर्स मतलब अनौपचारिक पत्र है। पहला पत्र देहात ने शहर को लिखा है, दूसरा पत्र शहर ने देहात को लिखा है। इस दोनों पत्र में देहात और शहर ने अपने सुख दुख के बारे में बताया है। पहले पत्र में देहात ने शहर को बताया कि देहात में डिजिटल क्रांति का असर भले ही दिखाई दे रहा हो, परंतु आज भी कुछ परेशानियां वैसी की वैसी ही है, उसका कोई भी हल नहीं निकला है। इसके अलावा शहर में अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए शहर का विकास हो रहा है, और देहात में बहुत सारी समस्याएं हैं। वह सभी समस्याएं देहात ने इस पत्र के माध्यम से शहर को बताई है। बच्चों, पहला पत्र जो देहात ने शहर को लिखा है, उसमें पहला पैराग्राफ हमने देखा था, दूसरा पैराग्राफ हम देख रहे थे, तो दूसरा पैराग्राफ अभी हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट चौथा, देहात और शहर, पान क्रमांक 9 पर दूसरा पैराग्राफ देखना है, उसमें फिफ्थ लाइन। पार्ट चौथा, देहात और शहर, तो बच्चों उसमें सेकंड पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन देखनी है। तुम्हारी दीन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है, तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तुम्हारी दीन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। बच्चों, यहाँ पर मुहावरा आया है, दीन दुनी रात चौगनी उन्नति, मतलब तेज गति से विकास। तो शहर का तेज गति से विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, और इसकी वजह से देहात शहर को कह रहा है कि तुम कितने सुखी हो, मतलब कितने खुश हो कि ऐसी सारी सुविधाएं तुम्हारे शहर में उपलब्ध है। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। यातायात के आधुनिक साधन, यातायात मतलब किसी एक वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की क्रिया, तो ऐसे वाहन के आधुनिक साधन वहाँ पर है। आधुनिक मतलब जो नए नए अभी साधन है, वो सब व्हीकल्स वहाँ पर उपलब्ध हैं शहर में। पक्की चौड़ी सड़कें मतलब रास्ते, और वो रास्ते भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, और बहुत बड़े बड़े ऐसे शॉपिंग मॉल वहाँ पर उपलब्ध हैं, और इसकी वजह से अच्छे तरह से सब लोग वहाँ पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और 24 घंटे बिजली की सुविधा, और 24 घंटे वहाँ पर बिजली की सुविधा रहती है। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर रहती है। सुविधा मतलब अच्छी व्यवस्था उसकी
है, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध है, ये सब सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, और ये सब सुविधाएं तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। तो यहाँ पर भी मुहावरा आया है बच्चों, चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। तो ये सब जो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है शहर में, वो सब शहर को, शहर की शोभा बढ़ा देते हैं, मतलब शहर को सुंदर बना देते हैं। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, और इसकी वजह से देहात कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, मतलब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ये सब सोचकर। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, और एक ज़माना मतलब एक समय ऐसा था कि मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, खुशहाली मतलब सब समृद्ध या संपन्न होने की अवस्था भाव, मतलब मेरे यहाँ पर भी बहुत सारी खुशियाँ थी, सब लोग बहुत खुशी से रहते थे, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, और चारों तरफ बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही थी, बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे, पर अब पहले जैसी रौनक, रौनक मतलब चमक दमक अब वैसे रही नहीं है, वो चमक दमक भी अभी कम होती जा रही है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। असुविधा मतलब जो सुविधाएं चाहिए, जो अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, जो फैसिलिटीज़ जो चाहिए, वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर देहात में उपलब्ध नहीं है। बेरोजगारी है मतलब बेकारी है, बहुत सारे लोगों को काम धंधा नहीं है, नौकरी व्यवसाय नहीं मिल रहे हैं। आपसी झगड़े मतलब लोगों में आपस में झगड़े हैं। गुटबाजी, गुट मतलब दल बनाना, ग्रुप बनाना, और गुट बनाकर वो अपने मतभेद वैसे की वैसे बनाए रखते हैं। अशांति, और उसकी वजह से देहात में शांति नहीं है, ऐसी सब समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। घिरना मतलब ये सब समस्याएं मेरे आजू बाजू में दिखाई दे रही है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। तो यहाँ के कुछ अशिक्षित, तो बच्चों अशिक्षित मतलब निरक्षर, अनपढ़ मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको कहते हैं निरक्षर, और जिनको पढ़ना लिखना आता है उनको कहते हैं साक्षर। तो यहाँ पर कुछ लोग अशिक्षित है मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ है, और अल्पशिक्षित, अल्पशिक्षित मतलब कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे अल्पशिक्षित और अशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, मतलब ये लोग निरक्षर है, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए परिवार कल्याण, कल्याण मतलब उन्नति, परिवार की उन्नति किस तरह से हो जाए उसका उनको पता नहीं चलता है, उसके बारे में वो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से वो बहुत उदासीन है मतलब दुखी है, उनके ऊपर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। जनसंख्या मतलब आबादी, पॉपुलेशन, तो जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और उसकी वजह से वहाँ पर गांव में काम धंधा नहीं है, लोगों को व्यवसाय उद्योग नहीं मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो इस तरह से
देहात शहर को अपनी सारी समस्याएं लिखता है और यहाँ पर पत्र समाप्त करता है और अंत में लिखता है कि तुम्हारा मित्र देहात। तो रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, मतलब गांव में उनको ठीक तरह से काम धंधा नौकरी व्यवसाय नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह से वो रोजगार की तलाश में, मतलब वही नौकरी व्यवसाय काम धंधा की तलाश में, तलाश मतलब खोजना ढूंढना, वो ढूंढने के लिए वो शहर जा रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग शहर जा रहे हैं और गांव में जो काम करने के लिए जो मजदूर चाहिए, मजदूर मतलब श्रमिक चाहिए, श्रम करने वाले जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। शहरी चमक दमक मतलब शहरी रौनक और आधुनिक सुविधाएं मतलब नई नई सुविधाएं लोगों को शहर की ओर आकर्षित कर रही है, मतलब शहर की ओर खींच रही है और उसकी वजह से देहात कह रहा है कि मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, अकेला, सब मुझे अकेला छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, स्वास्थ्य मतलब अपना आरोग्य, हेल्थ, उसके आरोग्य के बारे में अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पर। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। बीमारियां तो हैं लेकिन उसके ऊपर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज, पर्याप्त मात्रा मतलब उस पर अच्छी तरह से दवाई नहीं मिल पा रही है और सुसज्ज, सुसज्ज मतलब सुविधायुक्त अच्छे अस्पताल नहीं है, मतलब अस्पताल में जो सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध नहीं है और उसकी वजह से अच्छा इलाज वहाँ पर नहीं हो रहा है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है और लोगों को ठीक समय पर गांव में देहात में दवा नहीं मिल पाती है, दवा मतलब औषधि नहीं मिलती है, मेडिसिंस नहीं मिल रहे हैं। मेरा परिवार टूट सा रहा है और देहात ने कहा कि देहात में रहने वाले सब लोग वो एक परिवार की तरह है, एक कुटुंब, एक फैमिली की तरह है और वो सब वहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इसलिए मेरा परिवार टूट सा रहा है, मतलब टूट रहा है, बिखर रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। और इसकी वजह से देहात ने शहर को पूछा है कि बताइए मैं अभी क्या करूँ। और यहाँ पर अंत में देहात शहर को प्रश्न पूछता है और अपना पत्र यहाँ पर समाप्त करता है और अंत में लिखता है कि तुम्हारा मित्र देहात। तो इस तरह से देहात अंत में प्रश्न पूछता है कि आप मुझे कुछ उसके ऊपर उपाय बताइए। तो बच्चों इस तरह से देहात अपनी सभी समस्याएं पत्र के माध्यम से शहर को लिखी हैं। आगे उस पत्र का जवाब शहर देहात को किस तरह देता है ये हम आगे का जो पत्र है उसमें देखेंगे। तो दूसरा पत्र हम आगे के वीडियो में देखेंगे, तब तक आप सब सुरक्षित रहना, धन्यवाद।